उत्तर प्रदेश के हरदोई में बुखार से 24 घंटे में फिर चार ने तोड़ा दम। 10 नए रोगी जिला अस्पताल में भर्ती। हरदोई में चार विकास खंड संडेला, हरियावा, टड़ियावा, बहेंदर के दर्जनों गांव वायरल बुखार की चपेट में है। यहां बीते 24 घंटों में चार लोगों की मौत हुई है, जबकि दर्जनों लोग बुखार से ग्रसित है। सीएमओ का मानना है कि जिले में करीब 22 मौतें हुई, जिनमें लगभग 12 लोगों की बुखार से मौत की बात सामने आई है, जबकि मलेरिया का कहर अधिक है और स्वास्थ्य विभाग लगातार टीमें बनाकर जांच दवाओं का वितरण कर रहा है। वहीं जिला अस्पताल में ही करीब 10 नए रोगियों की भर्ती हुई है, जिन्हें काफी समय से बुखार रहा है। जिले में इस समय वायरल बुखार ने अपने पांव पसार रखे हैं, जिसके चलते दर्जनों गांव बुखार की चपेट में है। यहाँ टडियावा, संडेला, बेनीगंज में बीते 24 घंटे में चार लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों गांव में वायरल और मलेरिया के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ग्रामीण गांव में बुखार फैलने का कारण गांव में गंदगी को मान रहे हैं, जिससे मच्छर आदि पनप रहे हैं। पेश है हरदोई के संवाददाता सुनील कुमार की खास रिपोर्ट। अब तक लगभग 22 मौतें हो चुकी है, इनमें से अधिकांश तो पुराने रोगों की वजह से हुई है। कुछ केसेस जो है फीवर की वजह से भी 10-12 केसेस की डेथ हुई है। चार ब्लॉकों में अभी तक हमारे प्रभावित हैं, जिनमें संडेला, बेहंदर, हरियामा और टड़ियामा, ये चार ब्लॉक प्रभावित हैं। और बुखार में ज़्यादातर केसेस तो वायरल फीवर के ही है और मलेरिया भी करीब 110 केसेस में पॉजिटिव निकला है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या सहूलियतें दी जा रही हैं, क्या कैंप लगाए जा रहे हैं? हमारे विभाग की तरफ से एक तो जिले स्तर पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, इसमें 3 डॉक्टर, 3 हेल्थ वर्कर और एक गाड़ी समेत हमेशा तैनात रहते हैं। कहीं से कोई खबर आने पर ये लोग उस क्षेत्र का दौरा करते हैं। इसके अलावा हमारे ब्लॉक लेवल पे एक रैपिड रिस्पांस टीम है, जिसमें एक मेडिकल अफसर, एक फार्मासिस्ट और एक हेल्थ वर्कर होता है, जो उस इलाके के में कहीं भी खबर मिलने पर जाके वहाँ पे तुरंत ट्रीटमेंट करते हैं, देखते हैं और जांचें करते हैं, इलाज करते हैं, निरोधात्मक कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा कहीं पर जैसे ज़्यादा बीमारी है, जैसे हमारे संडीला में इस समय काफ़ी गांव प्रभावित हैं, तो उसमें संडीला ब्लॉक से ही करीब 12 टीमें बनाई गई हैं और 3 टीमें हमारे जनपद हरदोई से, एक मलेरिया की, 2 संक्रामक रोग की, ये बराबर जा रही हैं और लगभग 25-30 गाँवों का रोज़ नियमित चेकअप करती हैं उनको, मरीजों का, उनको दवाएं वितरित करती हैं, क्लोरीन टैबलेट देती हैं ताकि पानी में डाल के भाई इससे कि इन्फेक्शन, पानी की वजह से इन्फेक्शन बीमारियां ना हो, और बाकी अन्य निरोधात्मक कवरेज करके स्वास्थ्य अच्छा प्रदान। नीला बुखार तो गंदगी की वजह से फैला है। बुखार में जो ग्राम पंचायत की ग्राम समितियाँ बनी हैं वो बिल्कुल निष्क्रिय पड़ी हैं, साफ सफाई का कोई वो ध्यान नहीं रखती, ना साफ सफाई होती है, जिसके कारण जो है गंदगी फैली हुई है क्षेत्र में। दर्जनों की संख्या में लोग मौतें हो चुकी हैं, हजारों की संख्या में लोग बीमार हैं इतने समय बुखार की वजह से। जो स्वास्थ्य विभाग है वो निष्क्रिय है, वो अपना ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। बुखार के लिए बुखार आ रहा है बहन को 3 दिन से, और बाकी भी बहुत पड़े हैं बुखार में। कितने लोग होंगे गाँव में जो बीमार होंगे? अब गिनती तो है नहीं गाँव में, फिर भी अंदाजा लगभग होंगे 10-5। डॉक्टरों की टीम नहीं गई वहाँ? नहीं, कोई टीम नहीं। जैसे बुखार आ रहा है परसों, उसकी लोकल भर्ती हुई है, सामने यहाँ प्राइवेट में करवाते हैं।